यहाँ पर इस वीडियो में LG का जो डुअल इन्वर्टर AC उसका जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप एक नया AC खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर हम जो लेटेस्ट LG डुअल इन्वर्टर AC 2024 का जो मॉडल है उसका रिव्यू शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बेस्ट फीचर मेरे को लगता है उसमें जो LG का जो AC है इसमें जो है ओशन ब्लॉक प्रोटेक्शन फीचर्स देखने को मिलता है। तो ये जो फीचर है सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर जो है ओपन ड्रेन वगैरह देखने को मिलता है तो ये जो फीचर है ओशन ब्लॉक प्रोटेक्शन फीचर्स इसके साथ जो गैस लीकेज का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली इसके साथ जो कॉपर ट्यूब है उसमें जो है प्रॉपर कोटिंग देखने को मिलता है जिससे जो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी है पर इंक्रीज होता है जिससे जो गैस लीक का जो प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर सॉल्ट और सैंड जो है काफ़ी ज़्यादा है तब आप जो है LG का AC खरीदो जिसमें जो है ओशन ब्लॉक प्रोटेक्शन फीचर्स है जिसमें आपको जो है कोई भी गैस लीक का जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो फीचर्स है सच में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉइस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डुअल इन्वर्टर AC है इसमें जो है ऑटोमेटिकली जो ड्यूरेबिलिटी है ज़्यादा अच्छा है प्लस जो नॉइस है काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो डुअल इन्वर्टर AC है इस तरह से जो है डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें जो है काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने को मिले जिससे अल्टीमेटली कम नॉइस देखने को मिलता है। तो LG का जो AC इसमें जो नॉइस लेवल है काफ़ी कम है प्लस काफ़ी बढ़िया जो है ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो आउटडोर यूनिट है उसका जो ड्यूरेबिलिटी है जो बिल्ड क्वालिटी है सच में काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी लंबे टाइम तक जो है आप AC को यूज़ कर सकते हो आपको ज़्यादा जो है इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक स्मार्ट AC खरीदते हो तो आपको यहाँ पर जो है वाईफाई फीचर्स देखने को मिलता है। इसमें आप जो है सिंपली फ़ोन के साथ ही AC को कंट्रोल कर पाओगे। AC को ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग मोड में स्विच कर सकते हो, इवन जो यहाँ पर एनर्जी यूसेज है उस भी आप जो है मॉनिटर कर पाओगे। तो यहाँ पर जो स्मार्ट AC है काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप 2024 में नया AC को खरीदते हो तो आपको एक स्मार्ट AC खरीदना चाहिए। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा जो कि आपको नॉर्मल जो AC है उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर LG AC में जो है स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एंड कूलिंग के बारे में। तो जो डुअल इन्वर्टर AC है इसमें जो आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है इसके साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर AC। यहाँ पर सेम एनर्जी को यूज़ करके जो है यहाँ पर ज़्यादा कूलिंग को प्रोवाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर AC। तो डेफिनेटली LG का जो डुअल इन्वर्टर AC है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पर फास्टर कूलिंग भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि डुअल इन्वर्टर AC है इसलिए जो है यहाँ पर डुअल रोटरी मोटर देखने को मिलता है। तो सेम एनर्जी के साथ फास्टर कूलिंग प्लस बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा LG AC के साथ। एंड यहाँ पर R32 रेफ्रिजरेंट गैस को यूज़ किया जाता है जिसके साथ जो आपको बेटर कूलिंग प्लस जो है बेटर इको फ्रेंडली देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर LG AC में जो है अडेप्टिव कूलिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है जो कि बेसिकली यहाँ पर 6-in-1 कंफर्टेबल कूलिंग मोड देखने को मिल जाएगा जिसमें AC का जो कैपेसिटी उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर रूम में ज़्यादा लोग हैं तो आप जो है AC को मैक्सिमम कैपेसिटी में यहाँ पर रन कर सकते हो। इससे जो है काफ़ी फास्ट रूम का जो टेम्परेचर है पर रिड्यूस हो जाएगा एंड अगर रूम में कम लोग है तो आप जो है AC का जो कैपेसिटी उसे जो है यहाँ पर कम कर सकते हो। इससे जो है एनर्जी सेविंग्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड को ऐड किया गया है
जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर ये जो फीचर्स है यहाँ पर इसमें जो है ऑटो मोड को भी ऐड किया गया है जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। प्लस वॉइस कंट्रोल का जो फीचर्स है अवेलेबल है। तो अगर आप एक स्मार्ट एसी खरीदते हो तो यहाँ पर वॉइस के साथ भी अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट के साथ भी आप एसी को जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। तो एलजी के साथ जो है आपको यहाँ पर कंप्रेसर के ऊपर जो है नॉर्मली 10 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिलता है। 5 ईयर का जो है पीसीबी में जो है 5 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिल जाएगा पीसीबी में, एंड 1 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो वारंटी के हिसाब से भी काफ़ी सही है। तो खरीदने से पहले आप जरूर से वारंटी को चेक कर लेना। प्लस डुअल इन्वर्टर एसी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम जो एसी है काफ़ी बढ़िया कूलिंग को प्रोवाइड कर सकता है। अगर बाहर जो है 44 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब भी जो है एलजी का जो एसी है काफ़ी बढ़िया जो है कूलिंग को प्रोवाइड कर सकता है। इसमें काफ़ी फास्टर कूलिंग देखने को मिल जाएगा। प्लस जो परफॉर्मेंस है कूलिंग परफॉर्मेंस जो है काफ़ी सही देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्लस प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। ड्यूल रोटरी मोटर देखने को मिलता है इसलिए जो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल है काफ़ी बढ़िया है, एंड यहाँ पर काफ़ी फास्ट कूलिंग देखने को मिलेगा। प्लस प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। एंड एसी जो है काफ़ी कम नॉइज़ को जो है प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ड्यूल इन्वर्टर एसी है, ड्यूल कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा इसलिए जो यहाँ पर नॉइज़ है काफ़ी कम होता है। इस तरह से यहाँ पर एलजी का जो एसी है इसमें जो वाइब्रेशन है काफ़ी कम होता है इसलिए काफ़ी कम नॉइज़ जो है देखने को मिलता है। प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी जो ड्यूल इन्वर्टर एसी है एलजी की तरफ से देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है। बेटर ह्यूमिडिटी कंट्रोल देखने को मिलता है एंड कम्फर्ट को भी जो है काफ़ी बढ़िया इम्प्रूव करता है। तो अगर आप ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो आप जो है जरूर से एलजी का जो एसी है उसे खरीद सकते हो। प्लस अगर बात करें कॉस्ट के बारे में तो डेफिनेटली जो एलजी का जो ड्यूल इन्वर्टर एसी है उसका जो इनिशियल कॉस्ट है ज़्यादा है, बट इसमें आपको जो है ज़्यादा अच्छा कूलिंग प्लस लो मेंटेनेंस एंड काफ़ी बढ़िया एनर्जी सेविंग देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, जिसके हिसाब से जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एलजी का जो एसी है देखने को मिलता है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी सही है। एंड डेफिनेटली जो ड्यूल इन्वर्टर एसी इसका जो लॉन्गजिविटी है ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो यहाँ पर इन्वर्टर एसी है, एंड इसमें आपको बेटर ड्यूरेबिलिटी बेटर रिलायबिलिटी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। तो डेफिनेटली एलजी की तरफ से जो ड्यूल इन्वर्टर एसी इसे आप 2024 में खरीद सकते हो। काफ़ी बढ़िया जो है बिल्ड क्वालिटी कूलिंग देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर नॉइज भी काफ़ी कम है, स्मार्ट फीचर भी देखने को मिल जाएगा, कूलिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, प्लस जो ओशन ब्लॉक प्रोटेक्शन फीचर्स है भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसे भी ट्राई करके देखो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।